भृगु ऋषि की तपश्चर्या स्थली भगोर है, जो झाबुआ से कोई 8 किलोमीटर दूर है। यही वो स्थान है जहाँ पर कभी 750 साल पहले एक सघन बस्ती थी, और वो बस्ती प्राकृतिक अकाल की वजह से पूरी तरह से उजड़ गई और वहाँ के लोग भाग करके रतलाम पहुँचे। ये भी कहा जाने लगा भागियो भगोर और बसियो रतलाम। पर जब व्यवस्थाएं ठीक हुई, प्रकृति की कृपा हुई, बरसात हुई, फिर से हरियाली आई और फसलें पकने लगी, तब लोगों ने मिल करके भगवान शिव और पार्वती की पूजा की। ये भव गोरी का मंदिर नेगड़ी नदी के पास में जो मदन तालाब है उसके किनारे स्थित है, वहाँ पर विधि विधान से पूजा की गई और उसी के आधार पर भव गोरी के नाम के आधार पर भगोर का नामकरण हुआ। आज से कोई 450 साल पहले भग्गा नायक जो यहाँ का शासक था उसने इसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया और प्रतिवर्ष यहाँ पर हांड बाजारों में होली के पहले पूजन के लिए मेला आयोजित किया। और यही मेला जो भगोर का हांड था भगोरिया कहलाए जाने लगा। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे वो पूरा क्षेत्र जो है पलवाड़ है, मेघनगर, थांदला, पेटलावत, इधर से होता हुआ रतलाम क्षेत्र, धार क्षेत्र तक फैला और दूसरी तरफ निमाड़ की क्षेत्र में बड़वानी और खरगोन तक पहुंच गया। इस तरह ये भगोरिया का शुभारंभ हुआ और धीरे धीरे यह आदिवासी संस्कृति का महान पर्व जिसके अंतर्गत पूजन होली के पहले आयोजित होता था और वह हाट बाजारों में एक मिलने का स्थल बना, तो मस्ती और संस्कृति इन दोनों के मेल मिलाप को हम भगोरिया। हमने प्रतिदिन होने वाले भगोरिया के हाटों को, स्थानों को चिन्हित कर लिया है, वहाँ पर हम प्रॉपर व्यवस्थाएं लगाएंगे और दो उसमें हमारे मुख्य फोकस रहेंगे। पहला तो जैसा कि आपने बताया कि महिला सुरक्षा संबंधी, और दूसरा कहीं भी अनावश्यक रूप से दो गुटों के बीच में झगड़ा ना हो किसी भी बात को लेकर के या किसी भी कारण से, उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि शाम को भगोरिया समाप्त होने के बाद में जब लोग अपने अपने गांव लौटते हैं तो उस समय भी रास्तों में कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, कोई भी झगड़े ना हो, उसको भी ध्यान रखा जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक समग्र रूप से हमने प्लानिंग की है, लोगों के काम बांटे हैं, थाना प्रभारी, SDOP, एडिशनल SP साहब, हम सब लोग उसमें अलर्ट रहेंगे और पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस बार का भगोरिया, जो कि झाबुआ अलीराजपुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, वो सानंद और निर्विघ्न सम्पन्न हो।